अगर आप टोकन कटवाना चाहते हैं गो सेवा के लिए, जो आप टोकन कटवाना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। इन्हीं नंबरों पे जो है वो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कीजिएगा और व्हाट्सअप जो है वो अपनी डिटेल कीजिएगा और आपको टोकन नंबर जो है वो मिल जाएगा। आपका पैसा जो है वो गो सेवा में लग रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन ज़रूर कटवाइएगा। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौटाला गांव में। और चौटाला गांव के आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जो है वो मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं कि गौशाला के साथ मिल करके कंबाइन तरीके से जो है वो एक लक्की ड्रा जो है वो शुरू किया गया है ताकि जो इनकम आए उससे गौओं का जो है वो पालन पोषण किया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण गौशाला चौटाला के द्वारा जो है वो गौ सेवा बम्पर ड्रा जो है वो शुरू किया गया, जिसमें पहला इनाम की अगर बात करें तो स्वराज ट्रैक्टर है, दूसरा इनाम बुलेट बाइक है। बुलेट बाइक वो उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो खड़ा हुआ है बुलेट बाइक। और तीसरे इनाम की अगर बात करें तो स्कूटी है और चौथा इनाम जो है वो फ्रिज है, पांचवा इनाम जो है वो वॉशिंग मशीन है, छठे से लेकर के दसवां इनाम कूलर है, ग्यारहवें से पंद्रहवें तक स्प्रे पंप है और सोलहवें से बीसवें तक LCD TV है और इक्कीसवें से पच्चीसवें तक जो है वो RO गीज़र है और उसके बाद 26 से 31 प्राइज जो है वो सिलाई मशीन है और उसके बाद 20 और जो है वो सरप्राइज गिफ्ट जो है वो रखे गए हैं। कूपन की अगर बात करें तो 499 रुपये का है और ये आप कूपन कटवाते हैं तो आपका सहयोग, आपका पैसा जो है वो गो सेवा में जो है वो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख करके आप जो है वो ये टोकन कटवा सकते हैं। अब इस बात का भी जो है वो हम जिक्र करेंगे कि आखिर वाकई में ये पैसा गौशाला में जाएगा या नहीं जाएगा। गौशाला के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है, उससे पहले भाई साहब से बातचीत करते हैं जिन्होंने ये शुरू किया। भाई साहब, क्या क्या इसमें इनाम तो मैंने बता दिए, लेकिन अगर बात करें तो ये ड्रा कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे लोग भरोसा करें? ये भाई साहब 19 मई को निकालेंगे, समय 2 बजे निकलेगा यहीं पे गौशाला में। अगर यहाँ पे इकट्ठ जाता है तो सामने चारा मंडी है, वहाँ पे निकाला जाएगा। हाँ जी, 19 मई को कैसे निकाला जाएगा? इसमें एक डब्बा रखेंगे, कांच का डिब्बा होगा, उसमें पर्चियाँ जितने भी कूपन होंगे सारे कूपन उसमें डाले जाएंगे। उसमें से कूपन बच्चा उठाता है या संत महाराज होते हैं गौशाला में वो उठाते हैं, वो जैसे पंचायत का या गौ सेवा की जो यहाँ पे कमेटी या निर्णय होगा उसी हिसाब से वो निकाला जाएगा। निर्णय गौशाला कमेटी? हाँ जी, हाँ जी, वो गौशाला कमेटी का जो निर्णय होगा वैसे निकाला जाएगा। अच्छा, अगर बात करें तो लाइव भी चलेगा या वैसे ही? हाँ, लाइव चलेगा जी, 5 चैनल तो लाइव हैं ही, बाकी अगर और भी चैनल होते हैं हमें उम्मीद है भी चैनल 10 से 15 चैनल हो सकते हैं उस दिन हमारे लाइव के। हाँ जी। अच्छा, और ये इनाम इतने ही रहेंगे, टोटल कितने इनाम है इसमें? ये अगर मान लो टिकट 5,000 से ज़्यादा होती है तो इनाम ये बढ़ा के 101 कर दिए जाएंगे, अगर 10,000 से ज़्यादा होती है तो इनाम 151 कर दिए जाएंगे। हाँ, मतलब कि टिकट पे, टोकन पे डिपेंड? हाँ हाँ, टोकन पे डिपेंड करता है, अगर टोकन ज़्यादा हो रहे हैं तो इनाम को बढ़ा के 101 कर दिया जाएगा। अब अगर बात करें तो ये जो जो बचत आएगी उस बचत का क्या किया जाएगा? पेमेंट जो आती है वो आपके खाते में आती है गौशाला के अकाउंट? वो हमारा ज्वाइंट अकाउंट है, जो भी पेमेंट आएगी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं जो भी, वो पेमेंट अकाउंट के साथ अटैच होगी। एक उसके बाद ही वो पेमेंट जो हिसाब होगा सारा गौशाला की कमेटी के साथ होगा, जितनी बचत होगी वो गौशाला को लाइव होगा उस दिन, उसी दिन सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा कितना गौशाला को गया है, कितना इसका खर्चा है, कितनी बचत हुई है। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। अभी गौशाला के प्रधान है हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, गौशाला के साथ ज्वाइंट अकाउंट होने की बात ड्रा वालों ने कही है, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें, क्या आपको पता है? पहले तो आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है गौशाला प्रबंधक समिति की तरफ से। बाकी जो ये बच्चे काम कर रहे हैं ड्रा का, ये लक्की कूपन सिस्टम है, ये बहुत ही अच्छा है, इससे गौशाला की सहायता होगी और जो भी काम होगा सारा वो पारदर्शी तरीके से होगा। जिस पारदर्शी तरीके से गौशाला का संचालन होता है उसी पारदर्शी तरीके से ये जो लकी ड्रा है वो मिलेगा, किसी आदमी के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये जो गौशाला के अंदर ड्रा निकाला जाएगा, गौशाला को सुपुर्द करने के बाद जो है वो कही गई है, गौशाला कमेटी ही इसमें फैसला करेगी? हाँ, गौशाला प्रबंधक कमेटी जो है वो सब बैठ के ड्रा का जो सिस्टम है वो गुरमीत ने बताया ही अभी, उसी हिसाब से करेंगे पारदर्शी चैनलों के माध्यम से, और कोई संत महात्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे, कोई प्रशासनिक अधिकारी को भी बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी आदमी को भी कोई शक की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो मतलब कि अगर बात करें तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से ये भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि गौओं की सेवा हो सके और जिसको लॉटरी निकलेगी उसको इसका फ़ायदा भी है। आज 500 रुपये लॉटरी के अंदर 499 रुपये के अंदर 9 लाख रुपये का लगभग ट्रैक्टर हो जाता है,
मोटरसाइकिल भी है, सब चीज़ें कॉस्टली होती है, 500 में कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए इससे गौशाला की इमदाद भी होगी, गौ माता की इमदाद भी होगी। साथ में अगर इनाम नहीं निकला किसी को तो उसका पैसा जो है गौसेवा में, वो गौसेवा में जाएगा, गौसेवा में जाएगा। तो चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि गौशाला को जो है वो आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, और चौटाला गांव की गौशाला से आप पहले से ही अवगत हैं कि किस प्रकार से चौटाला गांव की गौशाला जो है वो अपनी एक ईयरली एक डायरी एक पत्रिका निकालती है जिसमें पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है वो दिया होता है। उसी प्रकार जो है वो ये लक्की ड्रॉ का भी हिसाब किताब हर एक तक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा कि कितनी बचत आई है या जेब से लगे हैं या किसको इनाम कितना निकला, कैसे क्या कुछ हुआ है, तो वो तमाम सारी डिटेल जो वो आपको मिलेगी। तो इससे ज़्यादा फेयर ड्रा मैं नहीं कह सकता कि शायद ही कहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम लाइव जो है वो एक लिस्ट के माध्यम से आपको जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और गौशाला प्रधान ने जो है वो इस चीज़ की जिम्मेवारी ली है कि गौशाला की देख रेख के अंदर जो ये ड्रा निकाला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टोकन कटवाइएगा ताकि आपका पैसा जो है, इनाम निकले ना निकले, लेकिन एक आत्म संतुष्टि आपको जरूर होगी कि आपका पैसा जो है वो गौ सेवा के अंदर, गौओं की सेवा के अंदर जो है वो आपका पैसा गया। अगर आपको इनाम निकलता है तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी कि एक तो पैसा आपका गौ सेवा में लग गया और दूसरा आपको इनाम भी जो है वो मिल गया है। खैर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा क्योंकि मामला गौशाला से जुड़ा हुआ है, गौ सेवा से जुड़ा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कटवाइएगा। अगर आप टोकन कटवाना चाहते हैं गौ सेवा के लिए, जो आप टोकन कटवाना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। इन्हीं नंबरों पे जो है वो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कीजिएगा और व्हाट्सअप जो है वो अपनी डिटेल कीजिएगा और आपको टोकन नंबर जो है वो मिल जाएगा। आपका पैसा जो है वो गौ सेवा में लग रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा टोकन ज़रूर कटवाइएगा।